रात का समा। रात को टहलने जा रही है जी चंबोह की टीम। खाना खाया उसके बाद टहलेंगे। ये सारे पानी भर जाता है ये। भाई ये एक मंदिर है और इस मंदिर के बारे हमें ज्यादा तो पता नहीं है। वी हैव हियर बाई चांस एंड लेट मी फाइंड आउट द फैक्ट्स अबाउट दिस टेम्पल। श्री पार्वती सर, इसका कोई इसे हिस्ट्री बताएंगे आप प्लीज? सर हिस्ट्री में इसका I don't know about this. What about this? It seems to be a lake or ancient building. I know this is ancient building, but is there any history about this? No, I don't know. No, even it is not carved here anywhere. Na? Bavdi. Acha. That is Bavdi. Bavdi. Okay, sir. Thank you so much. ये रियली इस अमेजिंग इस ये बावड़ी है नीचे और ये टेंपल है और ये पानी से भर जाती होगी शायद। ये राजस्थान है और यहाँ बारिश तो होती नहीं, तो कब भरती होगी कब नहीं, नोबडी नोज। बट जितना अच्छा इसको बनाया गया है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम नीचे जा सकते हैं क्या? मना किया सर, वो अभी चले जाएंगे सर, तो पूछेगा। पर ये राजमहल की तरह लग रहा है और ये हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर क्या हिस्ट्री है क्या नहीं, कहीं कार्ड भी नहीं किया हुआ, नहीं तो लिखा होता है। बट मैं फिर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो पुरातन कारीगर होते थे वो कैसे होते थे। देख सकते हैं आप, और देखो यहाँ से सीढ़ियाँ थी ऊपर चढ़ने के लिए, ये टूट गई है और ये है अभी भी। और ये देखिए ऊपर बिल्डिंग है राजमहल की तरह, बट एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, जो मेरा वीडियो देखें वो ज़रूर बताएं अगर उन्होंने देखा हो, क्योंकि किसी ने हमें मना किया कि आप नीचे नहीं जा सकते। अब नीचे नहीं जा सकते तो अगर कुछ इसके बारे में हिस्ट्री होगी तो हम जान भी नहीं पाएंगे। पर अभी अंधेरा भी है, लेकिन जो आर्किटेक्चर है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या रहा होगा या आज भी क्या है। ये देखिए कुछ अजीब से रूम्स बने हैं, अभी अंधेरे में दिखेंगे नहीं, बट आप देख सकते हैं कि क्या इसका आर्किटेक्ट है। ये देखिए, इट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली वेरी वेरी वंडरफुल। हालांकि हमारे पास टाइम था, हम दिन में आ सकते थे, बट उस टाइम हमें पता नहीं था। यहाँ शायद पानी के लिए, ये देखिए ये सीढ़ियाँ भी हैं यहाँ, तो शुड आई ट्राई। आप बोला तो है कि यहाँ जा नहीं सकते, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा। ये है सीढ़ियाँ, इट्स रियली स्ट्रेंज राइट हियर। पूरी भूल भरैया हैं, शायद इसके नीचे भी जा सकते हैं। ये रूम है और ये देखिए मैं यहाँ पहुँच गया।
हाँ नीचे, सॉरी इसलिए बोला होगा कि नीचे नहीं आना है क्योंकि ये पानी है, सॉरी ऊपर से दिख नहीं रहा था, ये ऐसा लग रहा था इट इज़ ए कारपेट ऑफ ग्रास बट इट इज़ ए वाटर और दलदल भी हो सकता है, इसलिए उस लेडी ने यहाँ आने से मना किया होगा। यहाँ दर्शक दीर्घा भी है, यहाँ लोग बैठते होंगे, तो ये देखिए ये हमारे बच्चे हैं ऊपर, तो मैं पहुँच ही गया यहाँ, ये सीढ़ियाँ हैं। हाँ लग गया पता सर, पहले नहीं मेरे को लग रहा था वो ये कोई ग्राउंड है घास का। ये देखिए पूरा नज़ारा, हाँ क्या बात है यार, हमारे पूर्वज क्या कर सकते थे, इट्स रियली अमेजिंग। ये सच में ही बीच में बावड़ी है और ये पानी से भरी हुई है और सवाल भी है, तो यहाँ नहीं आ सकते थे। ओए नीचे मत जाना, नीचे मत जाना, नीचे नहीं जाना, बस यहाँ से देखो। और ये बच्ची कोशिश कर रही थी फोटो खींचने का पर रुक गई। ये सबको देखिए, क्या बात है, क्या बात है, मेरे परदादा के परदादा थे यहाँ के राजा। सच में एक हिस्टोरिकल फीलिंग हो रही है, वैसे हम आ नहीं रही थे, नहीं आ रहे थे, हमें पता नहीं था ऐसा है यहाँ। तो आज के लिए इतना ही, इसकी सुंदरता का वर्णन सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब यहाँ खड़े हो जाएंगे, और ये सचमुच बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। पता नहीं पानी बरसता होगा बरसात में, कितना गंद है इसमें, गंद नहीं है सवाल है। अच्छा ऊपर से और वहाँ से पूछते हो ना, ऊपर से वहाँ से पूछ जाते हैं, वहाँ से पूछते हो ना, यहाँ से तो नहीं पूछते, वहाँ से दूर है, यहाँ से पूछते होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जिसको तैरना नहीं आता था ना, उसको उठा के फेंक देते थे इसमें। अच्छा, अब कुछ वो कुछ चिल्लाता था लेकिन उसको तैरना जब भी सिखाते थे उसको कुदा देते थे, फिर वो डूबने लगता था ना। अच्छा अच्छा, फिर उसको जब बाहर जाते उसको पहले बोलते हाथ पहले लाई जाते है। देखो है तो बहुत पुराना है और टोटली देखो पत्थर ही लगा है पूरा, अरे पूरा।